पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरसीसी ड्राइंग की दूसरी क्लास आप लोगों के सामने है। पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन किया कि पीसीसी क्या होता है, आरसीसी क्या होता है, क्यों क्या चीज़ें क्यों बनाई जाती हैं, आरसीसी स्ट्रक्चर में इस्पात का क्यों प्रयोग किया जाता है, इस्पात क्या लेती है, कंक्रीट क्या लेती है। जैसे कि कंक्रीट संपीड़न बल को वहन करती है और इस्पात तनन बल को वहन करती है, ठीक है, उस पर चर्चा की गई थी। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं कि जो हम आरसीसी स्ट्रक्चर में हुक प्रोवाइड करते हैं, बेंड करते हैं, आप देखते होंगे कि आप छड़ों को हुक करते थे। जैसे कि आप एक बीम बांध रहे हैं, ऐसी बीम है, फिर उसके दोनों किनारों पर आप लैपिंग करके इस तरीके के स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं। या तो आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि या आप एक कॉलम बना रहे हैं, कॉलम को बांधने के लिए आप छड़ का बांधते हैं, हैं आवरण को बांधने के लिए छड़ बनाते हैं, और छड़ की आकृति कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे हुक दिया जाता है, इस पे हुक दिया जाता है, दोनों सिरों पे हुक क्यों दिया जाता है? हुक इसलिए दिया जाता है कि अपनी स्थिति में बनाए रखने के लिए। यहाँ पे अगर छड़ डाल दी जा रही है, यहाँ पे अगर छड़ डाल दी जा रही है, तो उनकी अपनी स्थिति में उनको बनाए रखने के लिए जो व्यवस्था की जा रही है, उसी के लिए हम हुक का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, छड़ों को अपने स्थान पर बने रखने तथा एक स्थान पर बधे रखने व कंक्रीट के साथ जकड़ मतलब बॉन्ड बनाए रखने के लिए हुक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हुक क्यों दिया जाता है? हुक इसलिए दिया जाता है कि वह कंक्रीट के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना सके, और उस बॉन्डिंग बनाने की वजह से वह अपने स्थान से परिवर्तित ना हो पाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित ना हो पाए। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम हुक का प्रयोग करते हैं। हुक कई तरीके के बनाए जाते हैं, हुक कई प्रकार के रहते हैं। माना हमने 180 पे क्रैकिंग की, हम कितने कितने पे कर सकते हैं, कई तरीके से हुक बना सकते हैं। आपने देखा होगा हुक इस तरीके से भी बना सकते हैं 45 डिग्री पे, 90 पे, 135 पे, हम किसी भी एंगल पे बना सकते हैं, 180 पर भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि हम मैक्सिमम कंडीशन पे हम किस हुक का निर्माण किस पे करते हैं, मैक्सिमम कंडीशन पे हम हुक का निर्माण 180 डिग्री पे करते हैं। समय का अभाव है, परीक्षा कभी भी हो सकती, इसलिए हम ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उसी पे डिस्कस किया जाएगा। तो हम डिस्कस करते हैं जब हुक 180 डिग्री पे बनाया जाए, 180 डिग्री पे बनाया जाए, तो 180 डिग्री पर बनाया जाएगा, तो 180 डिग्री पे आईएस कोड 456 2000 के अनुसार बताया गया है कि जब हुक 180 डिग्री पे बनाया जाए, तो हुक की कुल लंबाई टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए? टोटल लेंथ 4D मतलब ये इस तरीके से हुक है, तो यहाँ से यहाँ तक का हुक की लंबाई कम से कम 4D। डी क्या है? डाया ऑफ बार, और हाइट क्या रखी जाएगी? 4D रखी जाएगी। इस फिगर को ध्यान से देखिए, हाइट क्या रखी गई है? हाइट 4D रखी जाएगी, और इसकी लंबाई कितनी रखी जाएगी कि हुक फिसल ना सके, अपने स्थान से टूट ना सके, इसलिए हुक की लंबाई 4D चढ़ाव के रूप में, और ऊपर भी 4D, टोटल 4D ये, और हुक को करने में डी डाया बार की लेंथ लगती, टोटल 9D एक हुक के निर्माण में बनता है। अगर यही हुक और स्थिति में बनाया जाए तो उसके लिए लंबाई भिन्न होगी, ठीक है। जब क्रैक का प्रयोग कब किया जाता है? जब हम स्लैब का निर्माण करते हैं तो हम स्लैब में क्रैकिंग करते हैं। क्रैकिंग की व्यवस्था क्या होती है कि मान लीजिए ये बार जा रही है, ये छड़ डाली जा रही है, सीधी छड़, जब इसे
टेंशन से कंप्रेशन के एरिया में ले जाना होता है, टेंशन से कंप्रेशन के एरिया में ले जाना होता है, उसलिए उसकी व्यवस्था के लिए हम इसे मोड़ के ऊपर ले जाते हैं, उसको हम क्रैकिंग कहते हैं। मान लीजिए, माना कि ये छड़ है, मान लीजिए कि ये छड़ थी, ठीक है, जिसे क्रैक किया गया, यही छड़ है, इसी को क्रैक किया गया है, ठीक है, ये क्रैक किया गया, इसकी लंबाई, इसकी यहां से लंबाई क्या है, L2 है, और ये क्रैकिंग की लंबाई L1 है। फिगर को देखिए ध्यान से, फिगर को ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ये छड़ है, मान लिया ये छड़ है, छड़ की लंबाई क्या है, L1 है, ठीक है, क्रैकिंग की, और दूसरी तरफ L2 है, जो थीटा एंगल पे क्रैक की गई है, थीटा एंगल पे मोड़ी गई है, जो थीटा एंगल पर मोड़ी गई है और ऊपर डी डिस्टेंस तक, डी डिस्टेंस पर ले जाके छोड़ी गई है, ठीक है। अब हम इसको एक आसान से फिगर में बना लें, ट्रिग्नोमेट्री के, ये ट्रायंगल बना दिया, इससे समझते हैं इसकी क्रैकिंग में कि समझते हैं। माना ये लंबाई L1 थी, बॉटम उसका आधार क्या था, L2 है, यही चीज ना, फिगर के हिसाब से L1 क्या है, उसके कर्ण की लंबाई, आधार क्या है, L2 है, थीटा एंगल पे वो इंक्लाइंड है और लंबाई क्या दी हुई है, d बराबर, ठीक है। अब हमें रिलेशन बनाना है L1 और L2 में, L1 और L2 में रिलेशन बनाना है, तो उसके हिसाब से tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो इस फिगर के हिसाब से tan थीटा क्या है, लंब क्या है, d, d अपान L2, और दूसरी तरफ d अपान L2 हो गया, यहां से L2 बराबर d अपान tan थीटा, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इस फिगर को ध्यान से देखते हैं, इस फिगर को ध्यान से देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखते हैं कि ये एंगल थीटा है, लंबाई वो क्या थी, L1 थी, क्रैकिंग किस पे की गई थी, कर्ण की लंबाई L1 हो गई, लंब d हो गया और आधार L2 हो गया। रिलेशन बनाइए L1 और L2 में, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या है, d है, और आधार क्या है, L2 है, ठीक है। उसके बाद tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, d अपान L2, L2 बराबर यहां से हम क्या कर लिए, d अपान tan थीटा, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। आगे देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, आगे देखते हैं इसी चीज को। अब अगली इक्वेशन में ध्यान से देखते हैं, रिलेशन के हिसाब से sin थीटा में, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, लंब बटे कर्ण के, लंब क्या था, इस फिगर को यहीं पे देखते हैं, लंब क्या था, ये d था, और कर्ण क्या था, L1, तो d अपान L1, sin थीटा बराबर, तो L1 बराबर क्या हो जाएगा, L1 बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए लिखा हुआ है, फिगर दिखाया गया है ना, तो यहां पे लिखा हुआ है sin थीटा बराबर हो गया d अपान L1 के, L1 बराबर d अपान sin थीटा, d अपान sin थीटा हुआ कि नहीं, तो अतिरिक्त लंबाई, जो बढ़ी हुई लंबाई है वो क्या होगी, उसको समझते हैं कैसे कह रहा है, कि इस फिगर को ध्यान से समझिए कि ये कोई छड़ थी, छड़ ऐसे ही तो पड़ी है, ऐसे ही तो डाली गई थी, ये इधर लंबाई थी। अब इस छड़ को हम, इस छड़ को अगर हम इस तरीके से नीचे लाएंगे, इस तरीके से नीचे जब लाएंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, ये छड़ कुछ लंबा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये छड़, इस छड़ को जब हम नीचे लाएंगे तो ये लंबाई यहां से कुछ अधिक होगी कि नहीं, अतिरिक्त, अगर उसको सीधी की जाए, सीधी की जाएगी तो अतिरिक्त लंबाई प्राप्त होगी कि नहीं। मान लीजिए यही तो थी ना छड़, ये छड़ थी, ऐसे ही क्रैक की गई, यही थी, और अगर इसको, छड़ को सीधा किया जाए तो ये छड़ यहां कहीं आ जाएगी, यहां कहीं आ जाएगी,
और ये क्या हो जाएगी लंबाई L1, ये हो जाएगी, मान लिया ना L1 हो जाएगी, तो बढ़ी हुई लंबाई क्या है ये ना, ये बढ़ी हुई लंबाई है, वही अतिरिक्त लंबाई है, कितना अतिरिक्त काटना है। तो अतिरिक्त क्या हो जाएगा, पूरे में से L1 में से ये लंबाई, पूरे में से L1 में से L1 माइनस कर दिया जाए, L1 में से L2 माइनस कर दिया जाएगा तो हमें अतिरिक्त लंबाई पता चल जाएगी। इक्वेशन से हमने पुट कर दिया मान d अपान साइन थीटा अपान d अपान टेन थीटा। अगर मान लिया जाए अतिरिक्त लंबाई, फार्मूला बन गया अतिरिक्त लंबाई का क्या, d अपान साइन थीटा माइनस d अपान टेन थीटा। माना हमने छड़ को 30 डिग्री पे कर सकते हैं, 45 पे कर सकते हैं, 60 पे, तीन एंगल पे क्रैकिंग की जाती है, छड़ों का क्रैकिंग तीन एंगल पे किया जाता, 30 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। इकोनॉमिकल किसने पे कहा जाता है, 45 डिग्री पे इकोनॉमिकल सेक्शन का निर्माण होता है, इकोनॉमिकल सेक्शन का निर्माण 45 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो हम हमेशा जब किसी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम क्रैकिंग 45 डिग्री पे करेंगे। आगे देखते हैं, आगे चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि 30 डिग्री पे है तो साइन थीटा, थीटा की जगह पे हमने 30 रख दिया और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास लंबाई क्या आ गई, 0.27 × d, ठीक है, हो गया। तो हमें पता चल गया कि अगर छड़ को 30 डिग्री पे क्रैकिंग की जाएगी, 30 डिग्री पे क्रैकिंग की जाएगी तो उसमें उसकी प्रभावी लंबाई L और उसमें 0.27 d, d क्या है, ये चढ़ाव ऊपर का, मान लीजिए कि ये बीम 300 mm की रही होगी तो हम कितना चढ़ाव दिए हैं उसके हिसाब से हम 300 mm 0.27 × d बढ़ा के उस छड़ को काटेंगे, ठीक है। अब बढ़ चलते हैं आगे की तरफ। अगर देखिए थीटा बराबर क्या है, 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री टेबल दिया हुआ है तो d अपान साइन थीटा बराबर ये होगा, d अपान टेन थीटा, तो 0.27 हो गया। 45 डिग्री है तो d अपान 0.75707, d अपान 1, ये मान क्या आएगा, 0.42। तो हमेशा ये वैल्यू आप याद रख लीजिए, ये वैल्यू हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि अगर 45 डिग्री पे है तो क्रैकिंग एक तरफ रहेगी तो हम उसमें एडिशन कर देंगे 0.4 × d। मैक्सिमम कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए इसको नोट करेंगे, ठीक है। 60 डिग्री पे क्या रहता है, 0.5 × d, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं, नोट में थोड़ी चीजें चढ़ते हैं, पढ़ते हैं। मृदु इस्पात की छड़ों में स्थिरण के लिए सिरों पर हुक बनाए जाते हैं, हुक क्यों बनाए जाते हैं उसी पे बात हो रही थी। मृदु इस्पात की छड़ों में स्थिरण के लिए सिरों पर हुक बनाए जाते हैं जबकि टोर इस्पात छड़ों में हुक बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मृदु इस्पात की छड़ों में, मतलब जो प्लेन छड़ होती हैं हमारे यहाँ, प्लेन छड़ जो होती हैं वो उनमें कंक्रीट के साथ बॉन्डिंग नहीं बन पाती है तो इसलिए उस बॉन्डिंग को बनाने के लिए हम हुक का निर्माण करते हैं। जबकि डिफॉर्मेशन बार में, डिफॉर्मेशन बार कैसी होती है, डिफॉर्मेशन बार की बात हुई थी जिसमें खुरदुरी सतह को डिफॉर्मेशन बार कहते हैं, खुरदुरी सतह वाली जो छड़ होती है उसे डिफॉर्मेशन बार कहते हैं, HYSD बार कहते हैं, टोर बार कहते हैं, सारी चीजें उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो मृदु इस्पात की FE 250 इस्पात वाली छड़ों के लिए हम हुक का निर्माण करते हैं जबकि टोर छड़ों के लिए हुक का निर्माण करना मान्य नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी स्वेच्छा से हुक का निर्माण करते हैं, हम सोचते हैं कि कहीं सेक्शन फेल ना हो जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट करा, चढ़ावों की संख्या कुल छड़ों की संख्या की 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए और ये बिखरे होने चाहिए। कहने का तात्पर्य, ये कॉलम है जिसमें चार छड़ों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। कॉलम को छोड़िए, मान लीजिए कि ये बीम है, ठीक है, ये बीम है, दो छड़ें आ रही थी यहां पे आके खत्म हो गई लेकिन हमें आगे भी ले जाना है, तो आगे ले जाना है
तो आगे ले जाना है, ठीक है। मान लीजिए कि तो 50% कह रहा, 50% से अधिक नहीं होना चाहिए चढ़ाव, ठीक है, 50% से अधिक चढ़ाव नहीं होना चाहिए कुल छड़ों का। अगर चार छड़े हैं तो दो ही छड़ों पर चढ़ाव होना चाहिए, दो से अधिक छड़ों पे हम लैपिंग नहीं करेंगे, पहली कंडीशन, और ये चढ़ाव बिखरे होने चाहिए, तो ये दूसरा बिखरा होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हम ये बीम है यहीं पे एक ही जगह पे चढ़ाव नहीं देंगे, यहीं एक जगह पे नहीं देंगे, एक यहां देंगे, एक कहीं यहां देंगे, दूरी दूरी पे देंगे और 50% देंगे। मतलब अगर चार छड़ प्रयोग हुई है तो दो छड़ों पर चढ़ाव देंगे, दो पर, दो से अधिक चढ़ाव नहीं देंगे। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि तनाव में चढ़ाव, लैपिंग जो होती है, लैपिंग क्या होती है, चढ़ाव, मतलब जब छड़ खत्म हो जाती है, मान लिया ये छड़ खत्म हो गई और इसे एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, तो एक छड़ दूसरे छड़ से जोड़ी जाती है तो उसी को लैपिंग कहते हैं, लैपिंग यही होती है, इसी को LD से डिनोट करते हैं, LD से डिनोट करते हैं, डेवलपमेंट लेंथ, चढ़ाव क्या होना चाहिए, इसी को लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। पॉइंट कहता है कि तनाव में चढ़ाव, टेंशन में चढ़ाव का स्थिरण सहित लंबाई सिग्मा ST इंटू D अपान 4 tau BD या 30D दोनों में से जो कम हो उसको लिया जाना। D यहां क्या है, डायाप बार है, सिग्मा ST क्या है, किस ग्रेड की है, FE 250 है तो FE 415 है, किस ग्रेड की इस्पात है, D यहां डायाप बार है, तो सिग्मा ST इंटू डी अपान 4 tau BD या 30D दोनों में से जो अधिक हो वही लेना चाहिए, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगली बात देखते हैं संपीड़न में, संपीड़न में देखिए तनन में क्या होता है, सिग्मा ST इंटू सिग्मा ST अपान 4 tau BD होता है, यहाँ पे 5 tau BD हो जाएगा और ये 24 pi से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं, दो भिन्न व्यास की छड़ों को जोड़ने के लिए चढ़ाव लंबाई की गणना के लिए डी का मान कम व्यास वाली छड़ का, मान लीजिए कि एक छड़ ये है जो 16 mm डाया की है, ठीक है, और दूसरी छड़ जो इस पे लगाई गई है वो 12 mm की छड़ है, तो हमें LD निकालने के लिए जो फार्मूला प्रयोग किया है सिग्मा ST L into D अपान 4 LD निकालने के लिए, LD निकालने के लिए हम फार्मूला यूज कर रहे हैं सिग्मा ST इंटू डी अपान 4 tau BD यूज कर रहे हैं, तो ये छड़ थी एक, दूसरी छड़ ये थी, यही ना, ये 16 mm की ऊपर वाली, ये 16 mm की और ये 12 mm की, तो हमें D का मान हमेशा छोटी कम डाया वाली छड़ का प्रयोग करना है, तो वही चीज लिखा है, दो भिन्न व्यास की छड़ों को जोड़ने के लिए चढ़ाव लंबाई की गणना डी का मान जो कम डाया वाली व्यास हो उसके लिए लिया जाता है। आगे देखते हैं, 36 mm से अधिक व्यास की छड़ों को वेल्डिंग द्वारा जोड़ा जाता है, उनको लैपिंग नहीं किया जाएगा। कितने एमएम की डाया को, 36 mm से अधिक की डाया को। छड़ों को मोड़ने की टेबल तैयार करने की आवश्यक आंकड़े, ठीक है, देखते हैं इस चीज को ध्यान से। इस चीज को ध्यान से देखते हैं कि पहला फिगर दिखा रहा है टिपिकल बार बेंडिंग शेड्यूल क्या दिया हुआ है, उसको ध्यान से देख के करते हैं। टिपिकल बार बेंडिंग के हिसाब से दिया है कि पहला क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कि ये लंबाई है, ये हुक है, ये हुक है, हुक के हिसाब से एक तरफ हुक की लंबाई अभी आपको क्या बताई गई थी, एक तरफ हुक की लंबाई बताई गई थी, एक तरफ हुक की लंबाई क्या बताई गई थी, 9D और इधर भी है, तो ये कितना हो गया, इंटू टू मतलब 18D के हो गया कि नहीं, यही ना। अब इसके बाद यही दिखाया गया है, L उसकी प्रभावी लंबाई प्लस 18D इसकी पूरी लंबाई होगी, इसकी लंबाई क्या होगी, L प्लस 18D के, ठीक है, 18D के। और उसके बाद दूसरे वाले में देखिए दूसरा फिगर क्या है, दूसरे फिगर में क्रैकिंग किस तरीके से की गई है, माना गया है दूसरा फिगर ये है कि ये छड़ है,
इस तरीके से क्रैकिंग, ये क्रैकिंग, फिर ये क्रैक करके इस तरीके की छड़ अगर बनाई जा रही है तो इसकी पूरी लंबाई क्या होगी, टोटल लेंथ क्या होगी, टोटल लेंथ क्या होगी, ये लंबाई क्या है, मान लिया यल है, हो गया ठीक है। ये हुक बनाया गया एक तरफ, ये लंबाई कितनी होगी 9D, ये हुक बनाया गया होगा इधर, सॉरी ये हुक बनाया गया होगा, इसकी लंबाई क्या होगी 9D, होगी कि नहीं होगी 9D, तो लंबाई क्या हो गई L प्लस 18D के। और अगर ये 45 पे एंगल है तो अभी हमने चर्चा किया था 45 पे होने पे हम क्या करेंगे 0.42 ऐड करेंगे, और एक इस तरफ है क्रैकिंग और एक इस तरफ क्रैकिंग है इनटू टू, तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन में इस तरीके की छड़ की टोटल लंबाई क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में किसी छड़ की लंबाई टोटल लेंथ हो जाएगी L प्लस 18D प्लस 2 × 0.42 × D के, ये पूरी लंबाई होगी। समझ गए कि नहीं इस चीज को, ये चीज हो गई क्लियर। फिर अगले फिगर को देखते हैं, लैपिंग की बताई गई है कि एक छड़ है, एक छड़ ये है जो इस तरीके से लैपिंग की गई है, फिर उसी के दूसरी छड़ है जो इधर से आई है, इसको इसी जगह पे लैपिंग दी गई, तो लैपिंग का मान हमेशा 40 से 42 45 डी के बीच रखा जाता है। डी क्या है, डायाफ बार, वही चीज वहां पे बताई गई है। लास्ट उसके बाद फिगर देखते हैं, वन हुक की लंबाई, अगला हुक देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम कॉलम में प्रयोग करते हैं, बीम में प्रयोग करते हैं, इस तरीके का हुक है, क्या हुक है, ये हुक है ठीक है, हुक है, यहाँ पे क्रैकिंग, इधर भी क्रैकिंग, माना ये लंबाई L1, ये लंबाई L2 ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रैकिंग हमेशा इतने पे करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं, क्रैकिंग यहाँ की कैसी होती है, क्रैकिंग ऐसी ही होती है, हैं? क्रैकिंग ऐसी होती या तो ऐसी होती, अगर ऐसी करते हैं तो हम कितना जोड़ेंगे 12D, सॉरी देख लेते हैं क्रैकिंग वाली पोजीशन को, कि क्रैकिंग, क्रैकिंग जब इस तरीके से की जाएगी तो 4D ऐड किया जाएगा, इस तरीके से किया जाएगा तो 8D किया जाएगा, 90 डिग्री पे रहेगा, और इस तरीके से किया जाएगा तो 12D किया जाएगा। तो इस फिगर में आप देखेंगे, इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो क्रैकिंग कैसे की जाएगी, इस तरीके से की जाएगी, और इधर से ये मान लिया L1 है और ये क्या है L2 है कि नहीं है, L1 है L2 है, तो हम कह सकते हैं टोटल लेंथ बराबर क्या होगा 2 × L1 प्लस L2, कह दें 2 मल्टीप्लाई कर दें, और एक हुक की लंबाई 130 पे अगर कर रहे हैं 135 पे मैक्सिमम कंडीशन पे की जाएगी तो कितना होगा 12 डी बार इनटू, इधर भी हुक है, ये तो 2 हो गया, तो टोटल लेंथ हो गई इस कंडीशन में टोटल लेंथ हो गई 2 × L1 प्लस L2 × 24D ठीक है इतनी चीजें हो गई। थोड़ा सा क्लास इस तरीके से लेने में प्रॉब्लम हो रही, अगली क्लास आपकी जब भी होगी, ऑनलाइन होगी, लाइव क्लास होगी, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लाइव क्लास में आपका हर तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और अच्छे से डेरिवेट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।